दोस्तों, अगर आपको भी आपके ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में हर जगह पैसे देने पड़ते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी आपके पास साधन है, तो आप किस तरह से उस साधन का उपयोग करके अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज कर सकते हैं। अगर आपने किसी को ज़मीन बेचा है, खरीदा है, एक्सचेंज किया है, कोई भी रीज़न है, तो उसका दाखिल खारिज आप किस तरह से करेंगे, आज का ये वीडियो आपको बताएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा वक्त तो भाई देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए विस्तार रूप में जानना है तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हम लोग चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों, आपके पास जो भी डिवाइस है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक्स वाई जेड कुछ भी है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे गूगल में, तो उन ऑप्शंस में से आपको जो है ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगा ओपन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें वाला जो टैब है उस पर करना है। ओके, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईडी जनरेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और साथ ही वहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल और बाजू में आपको एड्रेस डिटेल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल में नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड देन कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। बाजू में आप देख सकते हैं एड्रेस डिटेल में आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। देखिए, अगर आधा अधूरा डालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका अप्रूवल में दिक्कत आ जाए, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ फिल कीजिए और रजिस्टर नाउ पे क्लिक जैसे ही करेंगे, आपसे एक OTP के थ्रू कन्फर्मेशन लिया जाएगा और आपको ID बना देगा, ठीक है। मैंने बना रखा है, पहले से मेरा बना हुआ है, तो मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। आपको ऐसे ही लॉगिन कर लेना, ईमेल आईडी डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ फीड करना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और साथ ही साइन इन कर देना है, ठीक है। तो ये मैं फीड कर लेता हूँ अपना डेटा और यहाँ पर मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ, CNZ2H, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर जैसे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे ओपन करके देगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमको जो है मेरा डिटेल दिखा रहा है, जो हमने रजिस्ट्रेशन में फीड किया था वो डिटेल मुझे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो साथ ही आप देख सकते हैं कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, वो आप पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि आप कोई भी काम करते हैं ना, तो पहले बढ़िया से पढ़ ले कुछ, अगर मान लीजिए दिशा निर्देश वगैरह दिया जाता है ना, तो आप बढ़िया से पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं मान लीजिए गलती कर देते हैं आप, तो फिर दिक्कत हो जाती है, जो हो सकता है आपका आवेदन खारिज कर दिया जाए, है ना। तो खारिज हो, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप क्या करेंगे, चलिए नीचे आते हैं और जिला अंचल चुने पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिला का चयन कर लेते हैं, तो यहाँ मैं अपना जिला ले लेता हूँ, आप अपना जिला ले लीजिएगा। उसके बाद हम अंचल सेलेक्ट कर लेते हैं। अंचल सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, नया दाखिल खारिज आवेदन करें, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है ड्राफ्ट या आवेदन किए गए दाखिल खारिज देखें। इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब है कि मान लीजिए आपने दाखिल खारिज के लिए जो है फॉर्म भरना शुरू किया था, अप्लाई करना शुरू किया था, और बीच में किसी भी कारणवश आप बैक हो गए या कैंसिल कर दिए, ये काम रोक दिए, तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना जिला और अंचल सेलेक्ट करके जैसे ही दो सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप जहाँ से बैक हुए थे, जहाँ से आपका काम रुका था, आपको वहीं से दोबारा आगे बढ़ने का ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए हम लोग जो है नया दाखिल खारिज आवेदन करें पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन किया जाएगा हमारे लिए और अब देखिए यहाँ से अपना जर्नी शुरू होता है फॉर्म फाइलिंग का, ठीक है। सबसे पहले आपको डालना है आवेदक का नाम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आवेदक का नाम डाल देते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म भरने में कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कमेंट कीजिएगा कि भैया हमने तो फॉर्म भरा, आवेदन किया, लेकिन अप्रूव नहीं हो रहा है,
समझ रहे हैं। तो देखिए क्यों नहीं होता है वर्क, क्योंकि हम खुद ही कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं यार, इस वजह से, हमारी गलती की वजह से ही कोई काम अधूरा रह जाता है। चलिए मैं अपना आवेदक का नाम भाई फीड कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक के अभिभावक का नाम हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं। उसके बाद आवेदक और अभिभावक के बीच के संबंध, ठीक है, तो आवेदक और अभिभावक के बीच के संबंध हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी है फादर हस्बैंड अथॉरिटी, ठीक है ना, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना दाखिल खारिज के प्रकार को चुनेंगे। काफ़ी सारे प्रकार हैं, काफ़ी सारे कैटेगरी हैं, आप अच्छी तरह से उसको देखें आपका जो भी है, ठीक है। कई बार होता है, कितने होते हैं कि मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट में दे देते हैं ज़मीन, समझ रहे ना, अपने बहन को, जीजा को, किसी को भी गिफ्ट में अपने ज़मीन दे दिया, या अपने भाई को गिफ्ट में देते हैं तो वो ऑप्शन भी दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, या फिर आपने कहीं दान कर दिया या किसी से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी दिया हुआ है। तो आपका जो भी कैटेगरी हो आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना कैटेगरी ढूँढ लेता हूँ कि मेरी कौन सी कैटेगरी है, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे जो है सेल और परचेस कैटेगरी, अगर आप सेल परचेस वाला ज़मीन है ना, खरीद बिक्री वाला ज़मीन है, तो आपको सेल परचेस जो ऊपर यहाँ दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको आगे बढ़ना है और ईमेल एड्रेस फीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ईमेल एड्रेस फीड कर लेते हैं, और ईमेल एड्रेस फीड करने के बाद बाजू में देख सकते हैं मोबाइल नंबर, आपको वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फीड करना है केयरफुली, ठीक तरीके से, क्योंकि आवेदन का जो भी स्टेटस होगा आपका ईमेल, आपका मोबाइल पे, ईमेल पे, ईमेल के थ्रू और मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाएगा, कुछ भी त्रुटि हो, जो भी हो। आप देख सकते हैं नीचे प्रेजेंट एड्रेस है, आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। भाई देखो मुझे ये फॉर्म, हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे ये करना नहीं है, कोई आवेदन मुझे एक्चुअल में करना नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा भर रहा हूँ एड्रेस में भी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से पूरा एड्रेस भरे अच्छी तरह से, पूरा जितने गाँव का जो भी एड्रेस है आपका, आप अच्छी तरह से उसको फीड करें, ठीक है। कुछ भी त्रुटि होगी आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड मार्क एक आया हुआ है, ठीक है, वो नाम के स्पेलिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि इनका जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में अगर स्पेलिंग कुछ और लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर रेड मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ, कुछ चेंज करके देखता हूँ, तो तो मैं यहाँ पे मैंने चेंज किया है, एक बार और एरर दे रहा है, ये रेड रेड दिखा रहे, तो इसको जो ये सजेस्ट कर रहा है मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई, हालांकि ये गलत ही स्पेलिंग लिखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस दिखाया जा रहा है। अब अगर मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका दोनों एड्रेस सेम है ना, तो आप सेव एज प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एज प्रेजेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या होगा कि जो एड्रेस आपने प्रेजेंट में फीड किया वो आपका एज इट इज़ फीड कर देगा, परमानेंट में आपको मैनुअली नहीं फीड करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे पेज एक बार रिफ्रेश होगा और आपका नेक्स्ट पेज आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डिटेल डालेंगे, रजिस्ट्री डीड, मतलब डॉक्यूमेंट टैब डालेंगे, रजिस्ट्री डीड। तो यहाँ मेरा एक डीड डिटेल है जिसको मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो जिस पे मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो बना के, तो जो केवाला का जो दाखिल खारिज का जो पेपर है ना, डॉक्यूमेंट है भाई, वो लैंग्वेज इतना पुराना लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कई थी लैंग्वेज है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो डीड का डिटेल मिलेगा ना, तो वो डीड डिटेल आपको जो है आपका दाखिल खारिज का जो केवाला का जो ये वाला जो आपको डॉक्यूमेंट होगा उस पर क्लियरली मेंशन रहता है, ठीक है। तो मुझे वो भाई लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने डीड वाला जो डिटेल है वो ओपन किया हुआ है। तो मैं वही कंप्यूटराइज जो डीड डिटेल है जिसको एक तरह से चिरकुट भी बोला जाता है, मैं वहाँ से डेटा लूँगा। तो आप इस डीड चिरकुट को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आपको ये पर्ची मिल जाएगा और आपको फिर दाखिल खारिज का फॉर्म भरने में आसानी होगी, क्योंकि भाई समझ में नहीं आता है, काफ़ी जटिल लैंग्वेज है भाई ये, कई थी लैंग्वेज हम लोग समझ नहीं सकते हैं, पुराना ज़माना का लोग समझ लेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर अपना डीड नंबर डाल दिया है, अब हम चेक कर लेते हैं कि किस ईयर में ये किया गया था, डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट। तो यहाँ पे मैं डेट फीड कर देता हूँ उस
पर्चे से देख के, तो ये 1994 का हमारा केवाला है। मैं ईयर्स में चला जाता हूँ, तो यहाँ से इस तरह से आप ईयर्स में जा सकते हैं। मैंने ये ईयर ले लिया 1994, और ये मंथ ले लिया, और यहाँ पे मैं डेट, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अभी कितने रुपए में वो ज़मीन बेचा गया वो आपको डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अमाउंट डाल देता हूँ, आपका जो भी केवाला का अमाउंट है वो फीड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट नेम इशूइंग अथॉरिटी जो भी होगा आपका वो डाल दीजिएगा। तो मैं चलिए अपना जो है कोर्ट नेम डाल देता हूँ, जहाँ पे रजिस्ट्री कराया गया था ना, वो आपको वो एरिया, वो कोर्ट का नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना जो भी हमारा लोकल है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा, जो बायर डिटेल्स का पेज होगा। तो यहाँ पे आपको जो है बायर का डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बायर डिटेल में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे जो खरीदार है, बायर है, उसका नाम डालेंगे, ठीक है। तो हम नाम देख लेते हैं कि भैया खरीदार कौन है। तो क्लेमेंट जो होता है, ये देख सकते हैं क्लेमेंट को ही खरीदार कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खरीदार का नाम डालेंगे। उसके बाद जो है खरीदार का जो गार्जियन है, वो गार्जियन का नाम हम देख लेते हैं इसमें, वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और यहाँ पे उसका गार्जियन का नाम फेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बगल में देख सकते हैं रिलेशन, तो रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में वो देखेंगे, कि मतलब जो खरीदार है उनका जो गार्जियन है वो गार्जियन क्या है, कौन है, मतलब पिता है, भाई है, काका है, मामा है, चचा है, फूफा है, जो भी है वो आप देख लीजिए। तो सारा लिस्ट में दिया हुआ है आपको, प्रॉपरली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। तो जो भी आपका केस में हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पिता आबू, ठीक है ना, वो ढूंढ लेता हूँ और उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है कास्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कास्ट हो आप प्रॉपरली कास्ट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे कास्ट देख लेता हूँ, ये रहा, मैंने फीड कर दिया। अब यहाँ पे जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर लेडीज़ है तो यहाँ पे महिला कर दें। उसके बाद मोबाइल नंबर फीड कीजिए, बायर का मैंडेटरी है। उसके बाद बायर का एड्रेस भी मैंडेटरी है, तो प्रॉपरली आप लोग एड्रेस भी फिट कर दीजिएगा। बड़ा आसान है यार, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग डिफिकल्ट समझते हैं, सब कुछ तो हाथ में ही है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, और सेव नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे अब सेलर का डिटेल आ गया, ठीक है। बेचने वाले का डिटेल देना है यहाँ पे, तो कौन बेचा है भैया, तो उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद बगल में उसका गार्जियन नेम डालिए, मतलब सेम है जैसे आपने बायर में डाला था वैसा आपको सेलर में भी डालना है। तो गार्जियन नेम डालना है, रिलेशन विद जो है पिता अबू चाचा दादा काका नाना जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका कास्ट लेना है, जेंडर लेना है, मोबाइल नंबर लेना है। मैं सब में वैसे ही डाल रहा हूँ भाई, मुझे फाइलिंग नहीं करना है, खामखा मैं ऐसे ही आप लोग को दिखाने के लिए रफ बन कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है प्रॉपरली, सब आप प्रॉपरली करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अब प्लॉट का डिटेल डालना है। ये मतलब हालांकि इम्पोर्टेंट हर चीज़ है इस फाइल में, ठीक है। तो ये जो अभी प्लॉट डिटेल डालेंगे बहुत ध्यान से डालिएगा। यहाँ आप हल्का सेलेक्ट कीजिए, हल्का सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है थाना या मौजा का ऑप्शन आएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अब यहाँ पे आप खाता नंबर आपको डालना है, तो आपका मेन ओरिजिनल के वाला पे भी खाता नंबर होता है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आप इस वाला पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको खाता नंबर मिल जाएगा, वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर वो देख लेना है आपको, यहाँ पे प्लॉट और खेसरा मिल जाएगा। आप इस फाइल में से देख के यहाँ पे आप प्लॉट और खेसरा नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आप एरिया डेसिमिल के कितना ज़मीन बेचा गया है वो आप फीड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है ज़मीन कितना बेचा गया है वो फीड कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो सब कुछ आप प्रॉपरली फीड करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो आवेदन है दाखिल खारिज का वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं चौहद्दी क्या है। तो चौहद्दी में देख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी इसमें दिया रहता है, तो जो भी है आप फीड कीजिए। तो यहाँ पे चौहद्दी में नॉर्थ में सबसे पहले नॉर्थ दिखा रहे, तो हम नॉर्थ देख लेते हैं। तो नॉर्थ में जो नाम है मैं वहाँ फीड कर रहा हूँ। उसके बाद
साउथ में मैं देख रहा हूँ NIZ किया हुआ है, मतलब निज खुद का जमीन है, वो निजी जमीन है। उसके बाद जो है, बाद हम ईस्ट में देख लेते हैं क्या है। तो ईस्ट में जिसका भी नाम होगा हम यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे, ईस्ट में जिसका जमीन है। अब हम वेस्ट लेते हैं भैया, तो वेस्ट में हमारा निज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निज फीड कर दूंगा वेस्ट में भी। इतना करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद क्या होगा, फाइनल हमारा आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है हम बता देते हैं। तो आपका जो केवाला का ये वाला ओरिजिनल कॉपी है, इसको स्कैन करके अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है वहाँ पर रख लीजिए और यहाँ से अपलोड करेंगे। तो मैं पहले कैप्चा फिल कर लेता हूँ इसका प्रॉपरली। कैप्चा फिल करने के बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने केवाला का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी रखा है, आप क्या करेंगे वो पाथ सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे उस फाइल को, PDF फाइल होना चाहिए वो, ठीक है ना। उस PDF को सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके ओपन किया और यहाँ पे देख सकते हैं ये अपलोड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। वही अपलोड करने का कुछ निर्देश दिया रहता है, ठीक है, तो पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैप्चा वप्चा फिल कर दे, अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करके और अपलोड डॉक्यूमेंट पे कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट आपका कर लेगा अपलोड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुल अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आप जो है यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है इसके जस्ट सामने, तो आप व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। कौन सा कई बार होता है गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, तो व्यू जरूर करके देख ले। कई दफ़ा गलती में घाई घाई में हो जाता है और इसका खामियाजा ये होता है कि भाई हम देखते नहीं और हमारा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको घोषणा पत्र को टिक मार्क कर लेना है कि मेरे द्वारा यहाँ दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी के लिए एकमात्र जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है। तो भैया मुझे ये सबमिट करना है नहीं, यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं नहीं करने वाला हूँ सबमिट, आपको सबमिट करना है क्योंकि मुझे भैया इसका कोई दाखिल खारिज करना नहीं है, मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा था। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।